360 वर्ल्ड्स लोकल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ अलग अलग जाति, धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं और इन सभी का अपना अपना एक विशेष त्योहार जरूर होता है, जैसे होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, दशहरा इत्यादि जैसे त्योहारों को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इन्हीं त्योहारों के बीच एक ऐसा त्योहार होता है जिसकी शायद जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। इस त्योहार को छठ के नाम से जाना जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में मनाया जाता है। तो आज हम आपसे बात करेंगे इसी छठ पूजा के बारे में और इसके कुछ ऐतिहासिक महत्व के बारे में। इस पूजा में सूर्य देव की उपासना की जाती है। इसमें सुबह सुबह उठकर भगवान सूर्य की पहली किरण को अर्घ्य देकर और शाम के समय आखिरी किरण को अर्घ्य देकर इस छठ पूजा के व्रत को पूरा किया जाता है। इस छठ पूजा के अपने बहुत से ऐतिहासिक महत्व हैं और अलग अलग मान्यताएं हैं। माना यह जाता है कि छठी मैया सूर्य की बहन है और सूर्य देव की उपासना करने से छठी मैया खुश होती हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं और लोगों के जीवन को सुख शांति से भर देती हैं। हिंदू मान्यताओं की माने तो सूर्य देव ही ऐसे भगवान हैं जिनको प्रत्यक्ष तौर पर देखा जा सकता है, यानी सीधे तौर पर उनके दर्शन किए जा सकते हैं। पुराणों की माने तो सूर्य देव को पंचदेवों में से एक माना गया है, इसलिए इस दिन सूर्य देव की उपासना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। छठी मैया को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी माना जाता है, जो कि निसंतानों को संतान देती और जिन लोगों की संतान है उनको दीर्घ आयु प्रदान करती है। अगर छठ के ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो बिहार में ये माना जाता है कि इस दिन भगवान राम और सीता वनवास करके वापस लौटे थे और इस दिन उन्होंने राम राज्य की स्थापना की थी। कार्तिक षष्ठी के शुक्ल पक्ष में इसको मनाया जाता है और इस दिन भगवान राम और सीता ने व्रत रखा था और सूर्य की उपासना की थी। एक अन्य मान्यता की माने तो छठ पूजा का महत्व महाभारत काल से है। महाभारत काल के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा शुरू की थी। इसके लिए वो घंटों पानी में खड़े हुआ करते थे और उसके बाद सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी पूजा किया करते थे। पौराणिक कथाओं की एक अन्य मान्यता को माने तो द्रौपदी ने इस व्रत को शुरू किया था, ऐसा कहा जाता है। द्रौपदी ने पांडवों के अच्छे स्वास्थ्य और उनके सुखमय जीवन की कामना करते हुए इस व्रत को रखा था और द्रौपदी के इस व्रत को रखने के परिणाम स्वरूप पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया। तो ये थी सारी बातें जो कि छठ पूजा के महत्व से जुड़ी हुई थी। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।